क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो राम राम मेरे सनातनी परिवार के सभी सदस्यों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे देश और धर्म से जुड़े इस एक और नए चलचित्र में। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिखकर अपनी अटेंडेंस दे दीजिए और वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मूर्ति बननी चाहिए। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मुझे क्यों तोड़ा? जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। रमेश बुद्धू रिस्टोर अप एंड टोल दानिश अली ये भड़वा। आपको गाली दी? अरे उल्लू गाधा बेवकूफ, तो मैं भी बोल सकता था लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो आप शक्ल से दिख रहे हैं वो है नहीं। रात भर सोया नहीं? अगर मुस्लिम औरत हमारी प्रधानमंत्री बन गई और उसके शौहर ने कहा मैं इसी घर में प्रधानमंत्री आवास में दूसरी बीवी ब्याह के लाऊंगा क्योंकि शरिया कहता है, अजीब प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी देश में कि प्रधानमंत्री का हस्बैंड उसी घर में दूसरी औरत ब्याह के ला रहा है। और मान लीजिए उसने एक साल बाद कहा मैं तीसरी ब्याह के लाऊंगा, तो क्या प्रधानमंत्री के आवास में तीन तीन औरतें रहेंगी? खत्म। टाटा। मैं आपको ये कहने आया हूँ, आपने जो आज अत्याचार अन्याय किया ना, निर्दोष लोगों को खाम खा में यहाँ पर अपमानित करने का जो काम किया, जिंदगी में याद रखना, मेरा नाम भी याद रखना, मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा। मैं इस बैरोड के अंदर दो आदमी को, तीन आदमी को कभी नहीं भूलूंगा, एक को, एक विधायक को और एक जो पहले यहाँ पर रह चुका था उसको, और आज सबसे पहले आप हो गए मेरी लिस्ट में। ये आपको ध्यान रखना है। मैं तो ध्यान रखूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने झूठ मूठ में कार्यकर्ताओं को बेमजूर में यहाँ पर बिठाया, यहाँ पर उनको अपमानित किया, किस कारण किया? राजा राम को बिठाया, जिंदर को बिठाया, निशान को बिठाया, किस कारण सबसे बड़ा गुंडा पुलिस की प्रति में आप हो यहाँ पर। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ जो योगी जी कहकर आए कि नाम बदल देंगे अगर सरकार आती है, तो नाम बदल देना चाहिए कि नहीं बदल देना? नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि उस जगह का इतिहास भाग्यनगर रहा होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कोई सांसद नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री है। और यहाँ भी जिन जिन जगहों का इतिहास नाम बदला गया, आप अगर उन जगहों का इतिहास देख के निकाल करके, तो कहीं पिछले जो विभाजनकारी लोग थे उन्होंने इन जगहों का नाम बदल दिया, ताकि हमेशा हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में एक दीवार बनी रहे, तो उस दीवार को खत्म करनी पड़ेगी। क्या तेलंगाना का जो रहा होगा इतिहास वो भाग्यनगर रहा होगा, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, हम इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। क्या कैसा लगता है अखिलेश यादव? बिल्कुल बकवास। क्यों बकवास? अभी बचत है भाई, जितनी उनकी सैलरी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग उनके पास कुछ ज्यादा ही प्रॉपर्टी है, इसके लिए उनके पास कई उनके लिए उनपे कई मुकदमे भी हुए हैं। उनका घर जाके देख लीजिए लखनऊ में। अरे वो तो इतने सादे सिंपल हैं कि साइकिल लेके चलते हैं, क्या दिक्कत है साइकिल वाले को? कौन? अखिलेश यादव? सब दुबला पतला। जो उनके भाई हैं वो साइकिल पे चलते हैं, उनके भाई कुछ बिना कुछ काम के 5 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं। अब बताइए पैसा का कुछ काम करते, 1 रुपए का धंधा है उनका, फिर कहाँ से कार आता है? हमीरों के पैसे से न जाता है। लोग बोलते हैं कि बीजेपी के आने से बेरोजगारी हुई, क्या 2014 के पहले लोग प्रधानमंत्री हुआ करते थे सारे लोग? कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है, 20 साल हो गए क्या कुछ नहीं हुआ,
क्या कुछ नहीं किया गया लेकिन भलाई होता गया। बात तो सही है। मुस्लिमों में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या भाई साहब? तीन मिनट की अजान, 2 मिनट का निगाह, 1 मिनट का तलाक और हलाला पूरी रात, समझ रहे हो? ऐसा क्यों? आप बताइए, आप ये कहते हैं ये 10 बच्चे 15 बच्चे तो अलग ही देने, तो बेरोजगारी भी फिर अलग ही देने। सही बकरे हैं भाई साहब, 10 10 15 15 बच्चे करके कह देंगे अलग ही देने। भाई साहब मजे ले रहे हो तुम, निगाह कर रहे हो तुम, हलाला कर रहे हो तुम। अरे मेरी गली के पीछे, मेरी गली के पीछे भैया जी। आप तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, कौन सी क्लिप आपको ज्यादा पसंद आई। तो चलिए अब आपका भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई क्लिप्स के साथ। अपना ख्याल रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहे। चलते चलते मेरे साथ बोलिए, दुनिया में एकमात्र धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। इतनी बड़ी गवर्नमेंट है TRS की, एक MLA यहाँ पर पूरों को हिला दे रहा, उसको कुछ नहीं कर सक रहे। अगर मेरे परिवार का कोई भाई अगर हाथ उठा कर देखेगा, इतिहास रख दूंगा। टाइगर राजा सिंह एकमात्र ऐसा हिंदूवादी नेता है, जब रामनवमी को वो रैली लेके निकलता है भगवान श्री राम की, जो प्रतिमा के साथ चलता है, लाखों लाख की भीड़ रहती है, मस्जिदों को ढक दिया जाता है, वहाँ का होम मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट पूरी एक बैठक करती है, उस दिन कोई भी मौलाना मौलवी और मुसलमान टोपी नहीं लगाएगा, इतना कोप है उस आदमी का। इस